हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली क्लास देख ली है उनके लिए मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हमने आज स्टडी करना है रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। जो मेन रूल्स हमने फॉलो करने हैं जब हमने अकाउंटेंसी तैयार करनी है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन के बाद हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल प्रिपेयर करना है, जर्नल प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो रूल्स हम स्टडी करेंगे आज। तो बेसिकली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट सुनते ही सबसे पहले तो हमारा ये ध्यान जाता है कि सर डेबिट का मीनिंग क्या हुआ और क्रेडिट का मीनिंग क्या हुआ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता। आप किसी भी बुक को स्टडी करोगे, किसी भी बुक में डेफिनेशन ढूंढोगे डेबिट और क्रेडिट की, एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग भी नहीं है। डेबिट और क्रेडिट जस्ट कोडिंग के लिए किया गया है। कोडिंग का मतलब क्या है, जैसे हम कोई शॉप पे जाते हैं, बेसिकली ए कैटेगरी की चीज़ होती है, बी कैटेगरी की चीज़ होती है, सी कैटेगरी की चीज़ होती है, सेम ही अकाउंटेंसी में भी कोडिंग की गई है। जो कोडिंग की गई है वो डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू की गई है। तो डेबिट किस चीज़ को रखना है और क्रेडिट किस चीज़ को रखना है, ये हम अभी इन रूल्स में स्टडी करेंगे। तो पहला रूल क्या आ गया, कौन सा रूल आ गया, सबसे पहला आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, जो चीज़ें हम रियल में देखते हैं। रियल में मतलब जो जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जिन्हें हम टच नहीं भी कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझ लो बिजनेस में ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट के अंडर डील करेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट What comes in, credit what goes out। Basically कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर वो चीज हमारे पास आ रही है तो हमने उसे क्या करना है, डेबिट करना है। अगर सेम चीज हमारे पास से जा रही है तो उसे हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में हमें दिखाई भी देती हैं और हम छू भी सकते हैं उसको, मतलब टच एंड सी वाली। इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने रियल के अंदर डील करना है। इसकी एक हम ट्रांजेक्शन करके भी देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमें एक ट्रांजेक्शन मिल गई, परचेज अ मशीनरी फोर रुपीस वन लैक। हमने एक मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए के बदले में, मतलब 1,00,000 रुपए हमने पे कर दी और मशीनरी हमने खरीद ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि मशीनरी हमने खरीदी है और पैसा हमने पे किया, तो मशीनरी को भी टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, और पैसे को भी हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मशीनरी को टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब हमने खरीदी है तो हमारे पास कम्स इन होगी या गोज आउट होगी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो अगर मशीनरी खरीदी है तो हमने बेसिकली, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपके पास क्या होती है, आती है, मतलब कम्स इन होती है। तो बिजनेस में मशीनरी कम्स इन हो रही है तो हम इसे क्या लिखेंगे, डी डेबिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है डी आर, इसकी फुल फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट रिकॉर्ड। और सेम ही कैश, कैश जब आप मशीनरी खरीदोगे तो पैसा दोगे, पैसा चला जाएगा मतलब गोज आउट होगा, गोज आउट होगा तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट को भी सी आर लिख सकते हैं, मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। तो आपको समझ आया भी कैसे हमने डेबिट और क्रेडिट को देखना है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मतलब डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट हमने कोडिंग करनी है। अगर
कोई चीज हमारे पास आ रही है तो हमने उसे डेबिट करना है, अगर जा रही है तो हमने उसे क्रेडिट करना है। हमने इससे पहले की क्लास में ये भी पढ़ा था कि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, मैंने जिसमें आपको बताया भी था भी दो चीजें हमेशा एक दूसरे के बराबर चलेंगी, मतलब डेबिट क्रेडिट के हमेशा बराबर रहेगा। तो एक ही एंट्री में डेबिट भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है और इक्वल हो गया, तो बेसिकली हमारी ये एंट्री क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, ये था फर्स्ट रूल मतलब रियल अकाउंट का। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नाम से क्लियर हो रहा है, पर्सन, पर्सन वाला अकाउंट। बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, नेम लेने हैं। नेम का मतलब क्या है, जैसे कोई राम हो गया, कोई श्याम हो गया, या राम एंड श्याम कंपनी होगी। बेसिकली मतलब समझो, चाहे वो कोई पर्सन का नाम है चाहे वो कंपनी का नाम है, क्योंकि अकाउंटेंसी मैंने कल पढ़ाया था आपको, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मतलब हम एक कंपनी को, बिजनेस को भी पर्सन मान के चलेंगे, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ह्यूमन द्वारा बनाया गया पर्सन हो गया। अगर किसी पर्सन का नाम आता है, मतलब कोई लिविंग का, मतलब कोई ह्यूमन बॉडी का नाम आता है वो भी लेना है, अगर कोई फर्म का नाम आ गया तो भी हमने पर्सनल के अंडर ही डील करना है। तो इसका रूल क्या रहता है स्टूडेंट्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब हमसे कोई कुछ लेने वाला और हमें कुछ देने वाला। अगर हमसे कोई कुछ ले रहा है, हमसे किसे, कंपनी से, बिजनेस से, अगर बिजनेस से कोई कुछ ले रहा है तो हमने उसे क्या करना है, डेबिट करना है। और सेम ही अगर वो कोई अपने को कुछ दे रहा है, बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो हमने उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिपीट करूँगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करके। क्या चेंज होगा, परचेज अ मशीनरी फोर रुपीज 1 lakh फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, इसका मतलब हो गया उधार। हमने क्या किया, एक मशीन खरीदी, उधार खरीदी, ऊपर हमने क्या किया था, मशीन खरीदी थी, पैसा दे दिया था, बात खत्म। लेकिन यहां पे हमने एक मशीन खरीदी लेकिन उधार खरीदी, पैसा नहीं दिया हमने। मशीनरी चाहे उधार खरीदी चाहे नगद खरीदी, हमारे पास तो मशीनरी आएगी आएगी, हम परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी का रूल कौन सा है, रियल वाला। मतलब अगर हमने मशीनरी खरीदी, कम्स इन हो रही है, कम्स इन हो रही है, तो हमने क्या कर लेना है, डेबिट कर लेना है, जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, कैश को क्रेडिट कर दिया था। कैश को क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि हमारा कैश क्या हो रहा था, गोज आउट हो रहा था, मतलब पैसा हमारे पास से जा रहा था। लेकिन यहां पे मैंने बोला आपको उधार मशीनरी खरीदी, उधार का मतलब क्या है, मतलब ना पैसा कोई आया ना ही पैसा गया, तो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन उसके अलावा एक और अकाउंट आ गया, मोहन, मोहन से हमने मशीन खरीदी है उधार, तो मोहन से अगर हमने खरीदी है तो मोहन हमसे कुछ ले रहा है या हमें कुछ दे रहा है, तो हमने खरीदी है तो मोहन ने तो हमें मशीनरी दी है, तो इसी वजह से वो कौन बन गया, देने वाला बन गया, मतलब गिवर बन गया। गिवर बन गया मतलब हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, फिर अप्लाई हो गया रूल ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट वाला। देखो यहां तक अगर कोई दिक्कत है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार ओवरव्यू ले लो दोबारा। इसमें क्या आ गया, पहला रूल था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या था, हमने टच एंड सी वाली चीजें देखनी है, मतलब जिन चीजों को हम छू सकते हैं, बेसिकली फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, इसकी एग्जाम्पल दी थी मैंने। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सेम ही उसके बाद पर्सनल आ गया, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें हमने क्या करना है, पर्सन्स को रखना है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, इन रूल्स को याद भी करना है, मतलब हमने क्रैम भी करना है और समझना भी है। अगर आप इसको क्रैम नहीं करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे,
मतलब क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा रूल क्या है तो आप उसे अप्लाई कैसे कैसे करोगे। अगर आप समझोगे नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कौन से अकाउंट पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर थर्ड रूल आ गया हमारे पास, थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल रूल क्या कहता है? ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे सैलरी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, हमने क्या करना है? डेबिट करना है। सेम ही अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो भी हमने डेबिट करना है। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट कर दो सारी इनकम को और सारे गेन्स को। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमें, उन्हें हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। रेंट पेड ₹5,000, हमने ₹5,000 किराया पे कर दिया। 5,000 किराया पे किया जो हमने, उसमें आ गया किराया और एक आ गया पैसा। किराए को हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना है किराया हमारा खर्चा है या इनकम है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। दैट्स वाई हम एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सेम ही पैसा, पैसा कौन से रूल के अंडर आता है? क्योंकि हम इसे टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब रियल के अंडर आ गया। पैसा गोज आउट हो रहा है क्योंकि किराया पे किया है हमने, तो गोज आउट होगा तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, मतलब सी आर लिखेंगे। तो ये थे हमारे तीन रूल्स, ठीक है, जिसको आपने याद भी रखना है, मतलब क्रैम भी करना है, रट्टा भी मारना है और आपने समझना भी है। अगर आपको किसी को भी किसी भी रूल के बारे में कुछ नहीं पता चला तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि ये रूल्स मेन है +1 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको इसको समझ नहीं आया, आपको ये चीज समझ नहीं आई, तो आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसे ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। और इसके अलावा मैं जहाँ पे क्वेश्चन भी अटैच करूंगा इस वीडियो में एंड में, तो आपने वो क्वेश्चन करके भी देखने हैं। उसमें क्या करना है? आपने जस्ट ये देखना है कौन सा अकाउंट कौन से रूल को बिलोंग करेगा। मतलब जैसे मैंने वहां पे लिख दिया क्वेश्चन में मशीनरी, तो आपने देखना है मशीनरी कौन से रूल के अंडर ट्रीट होगा, रियल अकाउंट के अंडर आएगा, पर्सनल के आएगा या नॉमिनल के आएगा। तो मशीनरी को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बेसिकली वो किसके अंडर बन गया? रियल के अंडर बन गया। सेम ही मैंने लिख दिया राम एंड कंपनी, तो राम एंड कंपनी आपने देखना है भी नाम आ गया फर्म का, तो मैंने किसके अंडर देखना है? पर्सनल के अंडर देखना है। तो आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, आप वो भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि आपको डेली अपडेट वीडियोस मिलेंगी +1 क्लास के लिए भी और +2 क्लास के लिए भी अकाउंटेंसी की। थैंक यू।